Hello student, today we will discuss types of vector and we will do some question based on unit vector also. Okay, MathBook by Priyanshar की सिर्फ यही कोशिश है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो उस बच्चे तक पहुंचे जो पढ़ना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ वैक्टर की बात करते हैं. वट इज टाइप ऑफ वैक्टर? तो देखिए, सबसे पहले यहां पे मैं बताने जा रहा हूं नल वैक्टर क्या होता है. नल वैक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है. ओके, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, ओके, मैग्नीट्यूड इज जीरो. कैसा हो मैग्नीट्यूड? जीरो. मैंने अभी आपको इससे पहले वीडियो में मैग्नीट्यूड के बारे में बताया था, ठीक है. तो मैग्नीट्यूड यहां पे क्या है? जीरो है. जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो और हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड, ठीक है, कोइंसाइड मतलब एक ही होता है, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही होता है उस वेक्टर का, इज कॉल्ड ए नल वेक्टर और जीरो वेक्टर. बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा. जैसे पहली चीज, वेक्टर ए मैंने लिखा, ठीक है, एक्स आई कैप प्लस y j कैप z k कैप, ठीक है. अब मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है. तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई? मैंने ये साइन लगाया मैग्नीट्यूड का. मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट लिखा. i का जो है कोफिशियंट वो क्या है? x, उसका स्क्वायर. j का जो कोफिशियंट है उसका स्क्वायर. और k का जो कोफिशियंट है उसका स्क्वायर. तो ये मैंने क्या निकाला है? ये हमारा किसको डिनोट करता है? मैग्नीट्यूड को. ये हमारा मैग्नीट्यूड है बच्चों. अच्छा, अब एक चीज समझिए, इसमें नल वेक्टर क्या है? नल वेक्टर क्या है? नल वेक्टर कहता है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो, ठीक है. अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो. और एक लाइन इसमें और लिखी है, हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड, ठीक है. क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं. तो देखिए, वेक्टर जब मैंने बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में, तो मैंने बताया जैसे ये कोई वेक्टर है, ये ए है और ये बी पॉइंट है, ये एक वेक्टर है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर मैंने जब बताया था तो ये बताया था कि एक लाइन सेगमेंट से हम वेक्टर को डिनोट करते हैं, ठीक है. जहां पे ये हमारा क्या होता है? ये हमारा इनिशियल पॉइंट होता है और ये हमारा टर्मिनल पॉइंट होता है, ठीक. अब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट यहां पे क्या किया है? कोइंसाइड कर जाए. क्या कर जाए? कोइंसाइड कर जाए, मतलब ए और बी इक्वल हो जाए. मतलब ये वेक्टर इस तरह से नहीं, ये पॉइंट ही, बात समझ रहे, यही ए है और यही बी है, यही पॉइंट ए है और यही पॉइंट बी भी है. कोइंसाइड कर गए दोनों पॉइंट, ओके. यहां पे ये क्या कर गए? कोइंसाइड कर गए. तो ये क्या हो गया? हमारा नल वेक्टर हो गया, ओके. अच्छा, नल वेक्टर को मैं डिनोट कैसे करता हूं? और नल वेक्टर का को डिनोट कैसे करते हैं, किस वेक्टर के थ्रू डिनोट करते हैं? इसको मैं जीरो वेक्टर भी बोलता हूं, ठीक है. ओ लिखा, ओ के ऊपर वेक्टर का साइन, ये है मेरा नल वेक्टर. और इसको मैं जीरो वेक्टर भी बोलता हूं, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा. अच्छा, अब जैसे ये ए बी वेक्टर था, अब ये इस तरीके से हो गया, कोइंसाइड कर गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं ए ए वेक्टर भी लिख सकता हूं, ठीक है, बी बी वेक्टर भी लिख सकता हूं. बात समझ रहे हैं? जब कभी भी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो, ओके, या उस वेक्टर के टर्मिनल एंड इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड करते हो, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? नल वेक्टर और जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, नोटेशन क्या है? ये है, ओके. तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि नल वेक्टर क्या है. तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसी में आगे बढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर की बात करेंगे हम. अब देखिए बच्चों, यहां पे हमने नल वेक्टर जब देखा, अब यूनिट वेक्टर की बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या है. व्हाट इज यूनिट वेक्टर? तो बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि यूनिट वेक्टर क्या है. देखिएगा, मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, उसको समझिएगा, ठीक.
अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर, बात समझिए, अ वेक्टर जैसे इसकी डेफिनेशन है ठीक उसी तरीके से, ठीक, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन। ओके, यूनिट वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इज वन। ओके, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर, यूनिट नाम से ही पता है आपको, अ यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन इज नोन एज यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर का नोटेशन क्या होता है, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, यूनिट वेक्टर का नोटेशन होता है ए कैप, ठीक है, यूनिट वेक्टर का नोटेशन होता है ए और ये कैप ऊपर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर, यहां मैं लिख दे रहा हूं, यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर अलोंग द, यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर अलोंग द वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए या अलोंग वेक्टर ए, इस तरह से आपको मिल सकता है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर को लेके, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है। यूनिट वेक्टर है क्या, यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इस वेक्टर ए के डायरेक्शन में जो वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ओके, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, ये चीज है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अच्छा, एक चीज और समझिएगा यहां पे, अच्छा, यूनिट वेक्टर अलोंग ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, y वेक्टर के अलोंग j कैप और z वेक्टर के अलोंग k कैप। ओके, तो हम ये कह सकते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग x y z एक्सिस इज i कैप, j कैप और k कैप। x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, i कैप, y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, j कैप और z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, k कैप होता है। ओके, तो नल वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज नेम्ड एज नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। ओके, जिसका टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट जिस वेक्टर का कोइंसाइड करता हो उसे बोलते हैं नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर नाम से ही पता है यूनिट की बात हो रही है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन। ओके, यूनिट वेक्टर है क्या, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो वेक्टर ए के डायरेक्शन में ही है। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या है, ए कैप, आप देख रहे हैं यहां पे लिखा है ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इस पे बेस्ड अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, पेपर में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। चलिए आगे यूनिट वेक्टर पे बेस्ड कोई क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, नोट करिए इसको। ठीक है बच्चों, यहां पे एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। हमें यहां पे एक वेक्टर ए दिया हुआ है। ओके, अब इस वेक्टर ए को देखिए बहुत समझदारी से, समझिए इस बात को कि वेक्टर ए जो हमको दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर पहले होता क्या है, अभी अभी मैंने पढ़ा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन, वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, ठीक है, बात समझ रहे हैं यहां पे। अच्छा, हुज मैग्नीट
यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए. तो क्या होता है फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का, देखें, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. ठीक है, ए कैप इज इक्वल टू दिस, और ये इसका क्या है, बात समझ रहे, ये फॉर्मूला हो गया हमारा यूनिट वेक्टर का. अब देखिए यहां पे हम क्या लिखेंगे, ए कैप वेक्टर ए हमारे पास आई कैप जे कैप प्लस टू के कैप है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. ठीक है, मैग्नीट्यूड आपको पता है कैसे निकालना है, आई का वन है, जे का कोफिशियंट वन है, के का कोफिशियंट क्या है, टू का स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए यहां पे आई कैप जे कैप प्लस टू के कैप, ये हमने लिख लिया है यहां पे. अब देखिए वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर, ओके, वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर, ये वन हो गया यहां पे, वन प्लस वन टू टू द फोर. अब ये देखते हैं आई कैप जे कैप प्लस टू के कैप, यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ फोर फाइव और सिक्स, रूट सिक्स आ रहा है. ठीक है, आंसर में हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए कैप इज इक्वल टू, अलग अलग डिवाइड कर दें, वन अपॉन रूट सिक्स आई कैप, ठीक है, वन अपॉन रूट सिक्स जे कैप प्लस टू अपॉन रूट सिक्स के कैप. ओके, ये हमारा आंसर है. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो हमने ये निकाल दिया है. प्लीज नोट करिए. अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, यूनिट वेक्टर क्या होता है, डेफिनेशन मैंने आपको बताई, इसलिए ये बात आपसे करना चाहता हूं. यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हूज मैग्नीट्यूड इज वन. तो देखिए ये है, अब इसका मैग्नीट्यूड मैं निकालू, मैग्नीट्यूड आपको पता है कैसे निकालते हैं, आई का कोफिशियंट वन अपॉन रूट सिक्स का स्क्वायर, रूट सिक्स का स्क्वायर टू अपॉन रूट सिक्स का स्क्वायर, दिस विल गिव यू वॉट, वन बाय सिक्स प्लस वन बाय सिक्स फोर बाय सिक्स, दिस विल गिव यू चार पांच छ सिक्स बाय सिक्स वन यानी वन. ओके, तो मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, अ वेक्टर हूज मैग्नीट्यूड इज वन, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हूज मैग्नीट्यूड इज वन. ओके, मुझे लगता है हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा. आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं. देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं. यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, लैंग्वेज को चेंज कर दिया है. यहां पे देखिए लिखा है कि फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. तो मैंने ये चीज आपको अभी अभी बताई थी कि फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ए कैप यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. ठीक है, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर के डायरेक्शन में जो वेक्टर है वही क्या होता है, यूनिट वेक्टर है. यहां देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िएगा, यहां दिया है फाइंड ए वेक्टर. ओके, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर. बात समझ रहे हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर. ये वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, ये एक वेक्टर ए है, ठीक है, जिसके डायरेक्शन में हमें फाइंड आउट करना है वेक्टर. तो मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एट लास्ट यूनिट वेक्टर. ओके, ये लैंग्वेज है इसकी, विच हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ एट यूनिट. क्लियर है, यहां पे इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है विच हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ एट यूनिट. इसकी बात मैं अभी बाद में करता हूं, पर सबसे पहले तो इस लाइन को समझिए, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, मतलब हमें यहां पे इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है. तो सबसे पहले इसको करने से मैं यहां लिखूंगा लेट वेक्टर ए, इसको मैंने वेक्टर ए लिखा, फाइव आई कैप माइनस जे कैप
प्लस टू के कैप। ये चीज मैंने लिखी, इस वेक्टर के अलोंग या इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें वेक्टर निकालना है, मींस हमें यूनिट वेक्टर की बात करनी है। तो यूनिट वेक्टर होता है ए कैप वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो हमने रखा यहां पे फाइव वाई कैप माइनस ये माइनस जे कैप प्लस टू के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर यानी फाइव का स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन का स्क्वायर और यहां पे टू का स्क्वायर। ए कैप फाइव आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप। यहां पे देखिए फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव माइनस वन का स्क्वायर वन टू टू द फोर। फाइव आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पच्चीस छब्बीस चार तीस स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमारे पास ये आ गया है। यहां पे हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया है, ठीक है, हम चाहे तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब हमसे इस क्वेश्चन में एक चीज बोला गया है, हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इस तरह से फाइव अपॉन रूट थर्टी आई कैप माइनस जे कैप अपॉन रूट थर्टी प्लस टू अपॉन रूट थर्टी के कैप। इस तरह से ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया है। मतलब यूनिट वेक्टर क्या, अ वेक्टर जो है वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, हमारे पास ये आ गया है। ठीक, हमसे बोला है अब ये जो वेक्टर आया है, ये जो वेक्टर आया है विच हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ एट यूनिट, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, एट यूनिट। बात समझ में आ रही है, अब विच हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ एट यूनिट, मतलब हमारे पास जो यूनिट वेक्टर आया है ए कैप, इसको हम एट से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ठीक, हमने एट लिखा, ये लिखा फाइव अपॉन रूट थर्टी आई कैप माइनस जे कैप अपॉन रूट थर्टी प्लस टू अपॉन रूट थर्टी के कैप। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब कभी भी इस तरह की बात की विच है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एट यूनिट, आप पहले ए कैप निकालिए यूनिट वेक्टर, फिर उसको एट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखें फोर्टी अपॉन रूट थर्टी आई कैप माइनस एट जे कैप अपॉन रूट थर्टी, ठीक है, सिक्सटीन अपॉन रूट थर्टी के कैप। ओके, दिस विल बी आर फाइनल आंसर। ये हमारा यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, पूछा जाता है जब कभी भी इस तरह से विच हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ एट यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से इसको समझिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग और वेक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, नोट करिए इसको। देखिए बच्चों अब हम लोग ने सबसे पहले नल वेक्टर पढ़ा, फिर यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा, उसके दो क्वेश्चन किए। अब मैं बात करता हूं को इनिशियल वेक्टर की, ठीक है, वेक्टर के जो और टाइप्स हैं उनकी बात करता हूं। जैसे को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, नाम से ही पता है इनिशियल, को इनिशियल, यहां पे को इनिशियल वेक्टर लिखा है। ठीक है, दो ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, टू ये दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है, टू और मोर देन टू, टू और मोर वेक्टर्स, देखिए यहां पे लिखा है टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। नाम सही है को इनिशियल, ठीक है, को मतलब यहां पे इनिशियल पॉइंट से है, ये देखिए इनिशियल पॉइंट क्या हो, को दो हो, ठीक है, एक दो वेक्टर का एक ही इनिशियल पॉइंट हो या दो से अधिक वेक्टर का एक ही इनिशियल पॉइंट हो। तो जैसे हमने एक वेक्टर बनाया है, यहां पे मान लीजिए ये एक ए बी वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये है, ठीक, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। अब दूसरा वेक्टर हमने बनाया, ये हमने पी बना दिया, ये हमारा ए पी वेक्टर हो गया। फिर हमने तीसरा वेक्टर बना दिया, ठीक है, इसको क्यू नाम दे दिया।
तो देखिए वेक्टर ए बी, वेक्टर ए पी और वेक्टर ए क्यू, ठीक है, ये तीन वेक्टर्स हैं और इन तीनों वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को आप देखिए क्या है, ए है, ठीक है, इन तीनों वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है, ए। बात समझ रहे हैं, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा, मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी, ओके। उसके बाद देखते हैं हम लोग कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, ठीक है। अब देखिए इसको समझिएगा, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर विच हैव सेम और पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट, ठीक है। इसको मैं समझाता हूं अभी आपको, पर उससे पहले ये इक्वल वेक्टर को लेके मैं इसको समझाऊंगा आपको, ठीक है, जरा समझिएगा। पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट, यहां पे पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट भी लिख सकते हैं, पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट, इसमें एक वर्ड आ रहा है पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले एक बात मैं करता हूं यहां पे, जैसे हमारे पास एक लाइन है, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, मान लीजिए ये इस तरह से एक लाइन है, L1 एक लाइन है ये, ठीक, ये एक L1 लाइन है। अब इस लाइन L1 पे मैंने ये वेक्टर बना दिया, ये हमारा एक वेक्टर है, ठीक है, हमने कहा ये ए बी वेक्टर, बात समझ रहे, ये हमने कहा एक ए बी वेक्टर है, तो इस वेक्टर ए बी का लाइन ऑफ सपोर्ट कौन सी लाइन है, L1, बात समझ में आ रही है, इस वेक्टर ए बी की लाइन ऑफ सपोर्ट कौन सी लाइन है, L1, बात समझ रहे हैं। थोड़ा सा स्पेस हो मेरे पास तो मैं और अच्छे से आपको बताऊं, देखिएगा जरा, मैं रब करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं यहां पे, कि देखिए जैसे ये है लाइन ऑफ सपोर्ट और इस लाइन ऑफ सपोर्ट पे एक वेक्टर है पी क्यू, ठीक है, तो हम कहेंगे वेक्टर पी क्यू का जो लाइन ऑफ सपोर्ट है वो ये रेड वाली लाइन है, ये लाइन ऑफ सपोर्ट है, ओके, दिस इज लाइन ऑफ सपोर्ट फॉर वेक्टर पी क्यू, फॉर वेक्टर पी क्यू के लिए लाइन ऑफ सपोर्ट है, ओके। तो देखिए द वेक्टर विच हैव सेम, ठीक है, और पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट, देखिए एक ये लाइन L1 है हमारे पास, ठीक है, और मैंने एक दूसरी लाइन बना दी L2, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक वेक्टर रख दिया AB, ये लाइन ऑफ सपोर्ट है और ये AB वेक्टर है, ठीक है। तो देखिए कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं, इसको समझिए, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द टू और द वेक्टर्स विच हैव सेम और पैरेलल सपोर्ट आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर, ओके। आप देखिए पी क्यू जो वेक्टर है और ए बी जो वेक्टर है, द वेक्टर विच हैव पैरेलल और लाइन ऑफ सपोर्ट, विच हैव सेम और पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट, तो ये हमारा कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वल वेक्टर की, ये इक्वल वेक्टर के लिए भी एप्लीकेबल है, इस जो फिगर मैंने बनाया है, ठीक है, इक्वल वेक्टर के लिए भी लाइन ऑफ सपोर्ट होना चाहिए, सेम सेम लाइन ऑफ सपोर्ट होना चाहिए और पैरेलल, हैव सेम लाइन ऑफ सपोर्ट एंड पैरेलल, ठीक है, सेम लाइन ऑफ सपोर्ट एंड पैरेलल। तो यहां पे देखिए इक्वल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर के लिए कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर भी होना चाहिए, अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, ठीक है,
जैसे यहां पे देखिए ये पी क्यू और ए बी, ये दोनों कैसे वैक्टर हैं? ये दोनों वैक्टर इक्वल वैक्टर हैं, ठीक है। अगर मैं इस वैक्टर को ए से डिनोट करता हूं और इस वैक्टर को बी से डिनोट करता हूं, तो यहां पे वैक्टर ए इज इक्वल टू वैक्टर बी, और देयरफॉर इनके मैग्नीट्यूड भी क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। इक्वल वैक्टर्स वो वैक्टर्स होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, जिनका डायरेक्शन सेम हो, और हैविंग सेम पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट, जो कि आपने कोलिनियर और पैरेलल वैक्टर के बारे में जाना है, ठीक है। हैविंग सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, सेम पैरेलल, ठीक है, विच हैव सेम पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट। और एक बात इक्वल वैक्टर के बारे में जान लीजिए, अगर कोई दो वैक्टर इक्वल हैं, ठीक है, अगर कोई दो वैक्टर इक्वल हैं, जैसे वैक्टर ए इज इक्वल टू वैक्टर बी, तो इन दोनों वैक्टर के मैग्नीट्यूड क्या है? सेम होंगे, दोनों वैक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है, पर इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई दो वैक्टर है हमारे पास, बात को समझिएगा, और उनके मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी हमेशा इक्वल हो, ठीक है। मतलब कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। अगर दो वेक्टर बच्चों इक्वल हैं, तो उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है, पहली बात। बट अगर मैग्नीट्यूड सेम है, तो इट डजेंट मीन कि वेक्टर्स इक्वल होंगे। इस बात को फिर से समझ लीजिए, अगर वेक्टर इक्वल हैं, तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा दोनों वेक्टर्स का। बट अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, इट डजेंट मीन दैट कि वेक्टर इक्वल होंगे। कन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। हमने इससे पहले पढ़ा था कोलिनियर वैक्टर्स क्या होते हैं, को इनिशियल वैक्टर क्या होते हैं। को इनिशियल वैक्टर्स वो वैक्टर्स होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। टू और मोर वैक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, उनको बोलते हैं को इनिशियल वैक्टर्स। फिर हमने पढ़ा कोलिनियर और पैरेलल वैक्टर्स। ये फिगर सामने मैंने बनाया है, मैंने इसमें पहले आपको लाइन ऑफ सपोर्ट बताई, जैसे कोई लाइन बनी है उस पर कोई वैक्टर पी क्यू है, तो वो उस पी क्यू वैक्टर की लाइन ऑफ सपोर्ट है, ठीक है। फिर मैंने आपको इसमें बताया हैविंग सेम पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट, ठीक है। फिर इक्वल वेक्टर्स की बात की, ये इक्वल वेक्टर्स के लिए पूरा एप्लीकेबल है। इक्वल वेक्टर्स में तीन प्रॉपर्टी होती है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड सेम लाइन ऑफ सपोर्ट और पैरेलल, ठीक है। हैविंग सेम लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल, ये तीन पॉइंट होते हैं इसमें इक्वल वेक्टर में, मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, और हैविंग सेम पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट, ये चीज इसमें आ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर की। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर बट डायरेक्शन इज अपोजिट। नेगेटिव वेक्टर, सिंपल सी बात है, जैसे कोई वेक्टर हमारे पास है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में फर्क, मैग्नीट्यूड तो सेम है, दो वेक्टर है उनके मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन नहीं सेम है। बात समझ में आ रही है? दो वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन सेम नहीं होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। जैसे हमने कोई ए बी वेक्टर ले लिया है, ए बी वेक्टर हमने लिया, ए बी कोई वेक्टर हमने लिया, इस ए बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? माइनस ए बी अगर हमने लिखा, तो इसका नेगेटिव वेक्टर को हम ये भी लिख सकते हैं बी ए वैक्टर। एग्जैक्टली उधर दिख रहा है आपको, हाँ आ रहा है आपको, दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे कोई भी वेक्टर है, हमने पी क्यू वैक्टर लिया, तो पी क्यू वैक्टर का नेगेटिव वैक्टर क्या होगा? पी क्यू वैक्टर है, उसका अगर हम निगेटिव वैक्टर लिखेंगे तो क्या होगा? माइनस पी क्यू वैक्टर होगा, या फिर ये किसके इक्वल होगा? क्यू पी वैक्टर की। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, नेगेटिव ऑफ ए वैक्टर, कोई वैक्टर ए बी है, उसका नेगेटिव वैक्टर माइनस ए बी लिखिए, या तो वैक्टर बी ए लिखिए। बात समझ रहे हैं? मतलब सीधा सीधा ए बी का नेगेटिव वैक्टर क्या होगा? ए बी का नेगेटिव वैक्टर बी ए होगा। पी क्यू का नेगेटिव वैक्टर क्या होगा? क्यू पी होगा। सीधी बात,
ठीक है, इस बात को समझिए। अब देखिए कोप्लेनर वेक्टर, एक ही प्लेन में जो जितने वेक्टर, एनी नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन और पैरेलल प्लेन्स, सिंपल सी बात है। ठीक है, कोप्लेनर एक ही प्लेन में जो वेक्टर्स, एनी नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है, तो मतलब जितने वेक्टर्स लाई करते हैं एक ही प्लेन में, वही हमारे क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स। मुझे लगता है बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, इक्वल वेक्टर्स से ही समझ लीजिए को लीनियर और पैरेलल वेक्टर्स को। इक्वल वेक्टर्स आर दोस वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, विच हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन और सेम लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल, ठीक है, वही को लीनियर और पैरेलल वेक्टर जरूरी होता है इक्वल वेक्टर के लिए, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। बट इक्वल वेक्टर्स में कन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर कोई दो वेक्टर है उनके मैग्नीट्यूड बराबर है, डजंट मीन कि उन वो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर हो, बात समझ रहे हैं, अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनके मैग्नीट्यूड तो बराबर होंगे, बट अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो वेक्टर इक्वल होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत अच्छे से देखिए, आगे हम और क्वेश्चंस लाते हैं, पढ़ते हैं आगे, नोट करिए पहले इसको। ओके बच्चों, यहां लिखते हैं हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो यहां पे हम कहते क्या है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड अलोंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, बात को समझिएगा, दो वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड अलोंग, ओके, अलोंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, कोई दो वेक्टर ऐसे हैं जो ट्राइंगल की टू साइड्स के से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, ठीक है, टेकन इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में, देन दे आर रिजल्टेंट, ठीक है, उनका रिजल्टेंट जो है मतलब एडिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड, रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इसके लिए मैं फिगर बनाऊंगा ट्राइंगल का और आपको बताता हूं। देखिए, जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, मैंने कहा यहां पर लिखा है इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड along two sides of triangle taken in order, जैसे मैंने कहा ये A से B, ठीक है, AB जो side है वो किसको denote कर रही है, AB vector को, ठीक है, side AB of a triangle is represented by AB vector, okay, and side BC of a triangle is represented by vector BC, समझने के लिए, ठीक है, अगर कोई दो वेक्टर रिप्रेजेंट होते हैं टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एक ऑर्डर में, टेकन इन ऑर्डर, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड अलोंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज, तब उनका रिजल्टेंट जो है रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड, ये हमारी थर्ड साइड हो गई, थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स ये जो है ए सी जो है साइड वैक्टर ए सी को डिनोट करती है और दो वैक्टर ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर का जो रिजल्टेंट है वो ए सी वैक्टर होता है, सी ए नहीं ए सी वैक्टर। देखिए इस वैक्टर का डायरेक्शन क्या है, ए टू बी, इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, बी टू सी, ठीक है, बट जो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है वो सी टू ए नहीं है, ठीक है, क्या है, इन अपोजिट डायरेक्शन ए टू सी है। अब मान लीजिए इस ए बी वेक्टर को मैं कह दूं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तो सिंपल सी बात है, आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, ठीक है। अच्छा,
अब दूसरा ट्राइंगल भी आप शो कर सकते हैं इसी तरह से, जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये एक ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। अब इसमें देखें, टू वैक्टर्स रिप्रेजेंट अलोंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, तो ये ओ ए है, ये ए बी है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर, और इनका रिजल्टेंट क्या होगा, बी ओ वैक्टर, नहीं, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ओ बी वैक्टर, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पे हमारा रिजल्टेंट आ गया ओ बी वैक्टर। इज दैट क्लियर? तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन क्या होता है, इफ टू वैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, इफ टू वैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, ठीक है, टेकन इन ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। बहुत आसान है, आप समझ रहे हैं, यहां पे ओ से ए है एक वेक्टर, ठीक है, साइड ओ ए जो है वो ओ ए वेक्टर को डिनोट करती है, ए बी वेक्टर, ए बी साइड जो है ए बी वेक्टर को डिनोट करती है, तो ओ ए और ए बी का रिजल्टेंट क्या है, बी ओ नहीं है, क्या है, ओ बी है। यही हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड अलोंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, देन दे आर रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड इन रिवर्स डायरेक्शन। ओके, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं, आगे देखते हैं हम लोग, नोट करिए इसको। ठीक है, ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, आपने देखा ये वेक्टर ए सी हो गया, ठीक है, तो यहां पे क्या था, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर। बच्चों जैसे ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसी तरीके से एक होता है पैरेललोग्राम, ठीक है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या होता है पैरेललोग्राम ऑफ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको भी समझ लीजिए अच्छे, ठीक है। देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, पहला तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आप लोग जानते हैं, तो देखिए यहां पे ओ ए बी और सी नाम दे दिया, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता क्या है, जैसे ये ओ ए वेक्टर है और ये OC वेक्टर है, हमने लिखा साइड OA जो है वो वेक्टर OA को डिनोट करती है, ठीक, साइड OC जो है पैरेललोग्राम की वो वेक्टर OC को डिनोट करती है, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर का, ये दोनों वेक्टर क्या है, को इनिशियल वेक्टर है, एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। इफ टू वैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड मतलब लगी हुई, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इधर इधर की लेता हूं तो डायगोनल ऐसे होगा, अगर मैं इधर और इधर की ले रहा हूं तो इनका, इन दोनों वैक्टर्स का रिजल्टिंग जो है डायगोनल ये वाला होगा, ठीक है, ये डायगनल इनका रिजल्टेंट होगा, बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट हो गया वेक्टर OB, ठीक है। तो ये है, इफ टू वेक्टर्स आर, इफ टू एडजेसेंट वेक्टर ऑफ ए पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड, देन देयर रिजल्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट इज डायगनल, ओके, देन देयर रिजल्टेंट इज डायगोनल। तो इस बात को समझिए, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड अलोंग द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम व्हिच इज, ठीक है, जो डायगोनल से रिप्रेजेंट भी हो रहा है, तो ये डायगोनल भी हमारा क्या है, को इनिशियल, को इनिशियल वैक्टर मैंने आपको पढ़ाया अभी इससे पहले, ठीक है, को इनिशियल होना चाहिए,
ठीक है, जो वेक्टर भी है वो भी कैसा होना चाहिए, को इनिशियल वेक्टर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसमें एक चीज और देखें, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए, ये ओ ए वैक्टर है, इसकी डायरेक्शन, ये ए बी वैक्टर है। अगर इसमें ट्राइंगल लॉ लगाइए तो ये क्या रिजल्टेंट क्या है, ओ ए प्लस ए बी का रिजल्टेंट क्या है, ओ बी, ठीक है, ओ बी ना कि बी ए। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन होता क्या है, इफ टू वैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, इफ टू वैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट विल बी देयर को इनिशियल डायगनल। मेरी बात को ध्यान से समझिए, देन देयर रिजल्टेंट विल बी देयर को इनिशियल डायगनल। इज दैट क्लियर? तो सिंपल सी बात है, ये पैरेललोग्राम बना था हमारे पास। अच्छा, पैरेललोग्राम में आप ये भी जानते हैं कि ये सामने वाली साइड्स क्या होती है, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो जैसे ओ ए वैक्टर है, यहाँ ओ सी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ए बी वैक्टर भी रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ट्राइंगल लॉ से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। इसमें ट्राइंगल लॉ लगाइए, इसमें ट्राइंगल लॉ लगाइए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो वैक्टर एडिशन क्या है, ट्राइंगल लॉ का, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं एक बार आपको अच्छे से सारी चीजें। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसे ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, इफ एनी टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन टेकन इन ऑर्डर, देन दे आर रिजल्टिंग विल बी द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन अपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए, यहां पे ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर विल बी इक्वल टू ओ बी वैक्टर, ये हो गया। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन क्या कहता है, पैरेललोग्राम ऑफ वैक्टर एडिशन कहता है इफ एनी टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, इफ एनी टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड्स, मतलब लगी हुई साइड्स जो हैं, इफ एनी टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ये एडजेसेंट साइड हैं पैरेललोग्राम की, तो इनका रिजल्टेंट जो होता है वो इनका को इनिशियल डायगनल होता है। ये इसी पॉइंट से, को इनिशियल पॉइंट से जो डायगनल वैक्टर होता है वो होता है, उसका डायरेक्शन ये है ओ ए बी सी। ठीक है, तो यहां देखिए, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ सी विल बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी। इज दैट क्लियर? तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। नोट करिए इसको, फेयर आउट करिए बच्चों। अब बात करते हैं वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज की। ठीक है, वेक्टर एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कैसे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ठीक है, अभी अभी हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है, मैं उसी के थ्रू इसको प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, अभी आपने पढ़ा है ये, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है ओ ए बी सी। ठीक है, ओ ए वैक्टर जो है, ए बी वैक्टर है ये, और ये ओ सी वैक्टर है। ये पैरेललोग्राम है तो ओ ए की जो डायरेक्शन है यही होगी, ठीक है, और ओसी और एबी की डायरेक्शन सेम होगी। इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, को इनिशियल डायगनल वेक्टर होता है। ठीक है, ये ओबी हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए मैं इसको प्रूफ करता हूं। यहां पे मैं लिख देता हूं, लेट वेक्टर ओए जो है वो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वेक्टर एबी जो है वो वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर बात है? ओ ए ये वैक्टर ए को, ये वैक्टर बी को, और ये वैक्टर सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर बात है? अच्छा, एक चीज समझिएगा इस पैरेललोग्राम में, सबसे पहले कि इक्वल वैक्टर्स कौन से होते हैं भाई, कौन कौन से वैक्टर इक्वल होते हैं। जैसे
जिस वेक्टर क्या हो, वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, पैरेलल हो, पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट हो। देखिए OA और CB क्या है, पैरेलल है, ठीक है, इनका डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, ठीक। तो इसी तरीके से अब आप समझिए हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले एक ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल लिया, ये वाला ट्राइंगल लिया। अब इसमें देखिए OAB में हम लिखते हैं वेक्टर OA प्लस AB वेक्टर, ट्राइंगल और लगा रहे, ठीक है, OA प्लस AB। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा इन दोनों का, OA प्लस AB का अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ क्या होगा, OB वेक्टर होगा। क्लियर बात है, क्या होगा, OB वेक्टर होगा। तो OA की प्लेस पे वेक्टर क्या है, वेक्टर A है, AB की प्लेस पे वेक्टर B है और OB की प्लेस पे वेक्टर C है। इज दैट क्लियर? ओके, ये चीज हो गई, इसको इक्वेशन वन लिख लिया मैंने। अब मैं दूसरा ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल OCB की बात करते हैं, OCB की बात करते हैं। तो यहां मैं लिखा OC वेक्टर, CB वेक्टर और इनका रिजल्टेंट क्या होगा, OB वेक्टर होगा। क्लियर बात है, ठीक। अब एक चीज देखिए, डायरेक्शन सेम है तो ये भी क्या होगा, पैरेलल एंड इक्वल है तो इनका डायरेक्शन सेम है। तो जो OC वेक्टर होगा विल बी इक्वल टू वेक्टर AB, ठीक है, क्योंकि इनका डायरेक्शन सेम है, ठीक है, और पैरेललोग्राम है तो इक्वल भी है, ठीक है, तो इनके वेक्टर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो वेक्टर B के इक्वल हो गया। इसी तरह से OA वेक्टर और BC पैरेललोग्राम है तो इक्वल भी होंगे दोनों वेक्टर, ठीक है, डायरेक्शन भी सेम है, पैरेलल भी है, तो ये वेक्टर A हो गया। क्लियर बात है? तो OC की जगह पे मैं पुट करूंगा वेक्टर B और CB की जगह पे वेक्टर A पुट करूंगा और OB हमें वेक्टर C देगा, इक्वेशन टू हो गया, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन टू एंड वन, फ्रॉम टू एंड वन हम क्या देखते हैं, देखें वेक्टर C ये भी, वेक्टर C ये भी है, राइट हैंड साइड इक्वल है, व्हाट डज इट मीन, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। दिस गिव्स वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A। ये हमारा वेक्टर एडिशन जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, प्रूव हो गया है। प्लीज नोट करिए, ठीक इसी तरह से वेक्टर में एसोसिएटिविटी भी होती है, ठीक है, एसोसिएटिविटी क्या होती है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, एसोसिएटिविटी भी फॉलो करता है वेक्टर का एडिशन, ठीक है, एसोसिएटिविटी के लिए ये है। अच्छा, जीरो क्या होता है, वेक्टर की आइडेंटिटी होती है एडिशन की, ठीक है, वेक्टर की आइडेंटिटी जो होती है, देखिए जीरो इज द वेक्टर आइडेंटिटी, जीरो वेक्टर मतलब किसी वेक्टर में अगर हम जीरो वेक्टर जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेक्टर ए, ठीक है। तो जीरो वेक्टर, ये जो जीरो वेक्टर है ये क्या होती है, वेक्टर आइडेंटिटी, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। वेक्टर की प्रॉपर्टीज में एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। कम्यूटेटिव का प्रूफ मैंने दिखा दिया है, एसोसिएटिव का प्रूफ भी आप कर सकते हैं एज इट इज, ओके। अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको भी करा दिया जाएगा, नोट करिए इसको। तो बच्चों बहुत अच्छे से पूरे वीडियो को देखेगा, फेयर आउट करेगा, सीखेगा, ओके। आगे नेक्स्ट वीडियो में कल आपके साथ मिलेंगे, रेगुलर वीडियोस आएंगे अब, और आने वाले वीडियोस में क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको जो एग्जाम में आए हुए हैं। आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे, बहुत मेहनत से पढ़ाई करिए, ओके। मैथ बुक बाय प्रियांश सर की सिर्फ यही कोशिश है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो उस बच्चे तक पहुंचे जो पढ़ना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है। बहुत मेहनत करिए, बोर्ड्स आने वाले हैं, और अगर कुछ लेट भी होता है ड्यू टू कोविड तो फिर भी कितना, पर आपका पैटर्न डिफिकल्टी लेवल सब कुछ तो वही सेम होगा। तो प्लीज ट्राई हार्ड, अच्छे से पढ़ाई करिए, डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।